नमस्कार दोस्तों, आज हम कुर्ती में योक नेक बनाएंगे और उसके लिए मैंने दो अलग अलग रंगों का यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए, जो मेरी मेज़रमेंट है उसके हिसाब से मैंने कुर्ती कट कर रखी है। अब देखिए, आप जब भी योक पैटर्न बनाएं तो उसमें भी हमेशा शोल्डर लाइन को फुल रखें, क्योंकि शोल्डर लाइन फुल रखने से यहाँ से ये ब्रॉड हो जाएगी और योक पैटर्न बनाने के बाद वो दिखने में भी अच्छा रहेगा। अगर आप डीप नेक करते हैं तो शोल्डर लाइन छोटी हो जाएगी और छोटी शोल्डर लाइन में योक पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो सही भी नहीं बैठेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो मेरी चेस्ट मेज़रमेंट है वो है 38 इंचेस। जो इस पैटर्न में मैं मेज़रमेंट्स बताऊंगी वो उसी के हिसाब से हैं। अगर आपका साइज़ कम ज़्यादा है तो नेक लाइन में उसी हिसाब से आपको चेंजेस करने होते हैं। अगर आपका साइज़ कम है तो उसमें लेंथ और विड्थ में 1/4 इंच कम कर दें, और अगर आपका साइज़ बड़ा है तो लेंथ और विड्थ में 1/4 इंच बढ़ा दें। सभी साइज़ में एक ही मेज़रमेंट्स नहीं रहती, हमें साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट्स अलग अलग करनी होती है। अब देखिए, योक पैटर्न के लिए मैंने ये एक कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई है करीब 12 इंच और चौड़ाई है इसकी 5 इंच। अब इसको डबल फोल्ड करके इस तरह शोल्डर लाइन से ऊपर की तरफ सेट करें। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे, जो मेरी मेज़रमेंट में 3 इंच है और लंबाई है 5 इंच। अब इन मार्क्स को मिला के हम राउंड नेक बनाएंगे। अब देखिए, जो योक बनेगा उसके लिए हम 4 इंच पे मार्क करेंगे, गले की चौड़ाई से करीब 1 इंच बाहर की तरफ। अब यहाँ गले से करीब 1/2 इंच छोड़ दें सिलाई के लिए और इस तरह से योक का शेप दें। योक के लिए मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम पहले कटिंग कर लेंगे और बाहर की तरफ जो दूसरे रंग का फैब्रिक हम यूज़ करेंगे उसकी कटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब यहाँ से भी हम राउंड नेक की कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग सिर्फ हमें योक के कपड़े के ऊपर ही करनी है। देखिए, इस तरह से ये योक कट हो चुका है। अब यहाँ सेंटर में हम एक प्लेकेट बनाएंगे, तो सेंटर में भी हमें एक मार्क कर लेना है। अब नेक डिज़ाइन के लिए ये योक की कटिंग हो चुकी है। देखिए, इसे फ्रंट पैनल पे हमें इस तरह से सेट करके और स्टिच करना है। अब हम बैक पैनल में भी नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ इस नेकलाइन के लिए स्ट्रिप को भी साथ में कट करेंगे, जिसके साथ हमें इसकी स्टिच करनी है। इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखें। अब यहाँ गले की चौड़ाई हम सेम 3 इंच रखेंगे और लंबाई 2 इंच रखेंगे। यहाँ पे आप ज़्यादा डीप नेक नहीं रख सकते, क्योंकि हमने यहाँ शोल्डर लाइन को फुल लिया है, इसलिए हम 2 इंच का ही नेक यहाँ कट कर सकते हैं। अब बैक पैनल के गले को भी स्टिच करने के लिए हमें ये 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप लेनी है। इस स्ट्रिप को हम गले के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ से स्टिच करके इस बैक पैनल को रेडी करेंगे। अब यहाँ फ्रंट पैनल के उल्टे साइड भी मार्किंग कर लें, जो गले की चौड़ाई है। यहाँ देखिए, मैंने सेंटर में भी एक मार्क कर लिया है और गले की चौड़ाई पे भी मार्क कर लिया है। अब इस योक को हम अच्छे से सेट कर देंगे मार्किंग के ऊपर। अब हम यहाँ से स्टिच स्टार्ट करेंगे। पहले हमें राउंड नेक को स्टिच करना है।
राउंड नेक के साथ हमें यहाँ प्लेकेट के लिए भी स्टिच करना है जो हमने सेंटर में मार्क किया है। वहाँ पर हम इस तरह से वी शेप में स्टिच करेंगे। जो सेंटर में मार्क है उसके दोनों तरफ चौथाई इंच जितना ही गैप देके और स्टिच करें। प्लेकेट के बाद दूसरी तरफ भी राउंड नेक को हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से वी शेप में हमें प्लेकेट बनाना है। अब यहाँ से जो कुर्ती का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। प्लेकेट पर भी हम बिल्कुल एंडिंग तक एक कट लगाएंगे और राउंड नेक में छोटे कट लगा देंगे। अब इस योक को हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। कोनों को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लें और इस योक को पीछे की तरफ फोल्ड कर लें। इस तरह से योक रेडी होने के बाद इसको एक कच्ची सिलाई से यहाँ फिक्स कर लें। अब हम यहाँ पर प्लेकेट बनाएंगे। जो हमने ये कट बनाया है वहाँ पर हम पोटली बटन्स यूज़ करेंगे और एक डबल फोल्ड स्ट्रिप लेंगे सेम साइज़ की। इस स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके यहाँ एल शेप में इसे स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद इस स्ट्रिप को हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ गले को बिल्कुल किनारी से स्टिच करते जाएंगे। यहाँ जो हमने कट बनाया है वहाँ एक साइड हम इस डबल फोल्ड स्ट्रिप को सेट करेंगे और प्लेकेट बनाएंगे। एक साइड स्ट्रिप अटैच होने के बाद दूसरी साइड हम पोटली बटन्स को सेट करेंगे और इस प्लेकेट को बंद कर देंगे। पोटली बटन्स को कहीं भी आप नेकलाइन में यूज़ करें तो वहाँ हाफ प्रेशर फुट का यूज़ करें। अब देखिए इस स्टिच को हम कंटिन्यू रखेंगे। योक रेडी हो चुका है। अब देखिए स्टार्टिंग में जो ये कटिंग हमारी निकली थी इस योक में से, इसके हिसाब से हम बाहर की तरफ जो दूसरे कलर की स्ट्रिप लगानी है उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए डबल फोल्ड कैनवास लें। इस कैनवास की चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई 14 इंच है। अब देखिए इस कटिंग को हमें सेट करना है। देखिए इस कटिंग के ऊपर जो मार्किंग दिख रही है वो हमने 4 इंच पे की थी, तो कैनवास पर भी हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और वहाँ पे इसको अच्छे से सेट करेंगे। नीचे की तरफ भी आप इस तरह 4 इंच पे एक मार्क कर लें। अब इस कटिंग को अच्छे से सेट करके सेम शेप में कैनवास के ऊपर मार्क कर लें। इस तरह मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर करीब 1.25 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप कट करेंगे, तो पूरे शेप पर हम 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कटिंग के टाइम यहाँ पर
अंदर की तरफ ऑल पिन फिक्स कर लें तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रिप कट होगी। अब देखिए अंदर की तरफ जो मार्किंग है उसमें करीब चौथाई इंच एक्स्ट्रा लें, क्योंकि वहाँ हमने योक में भी चौथाई इंच एक्स्ट्रा कट किया था तो ये स्ट्रिप उसके ऊपर चढ़ेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ चौथाई इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इस कटिंग को हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। स्ट्रिप के दोनों तरफ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लें। यहाँ गोलाई पर हम पूरे कट लगा देंगे। अब इसको अच्छे से फोल्ड करने के लिए यहाँ हम पहले ही फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। इस स्ट्रिप के दोनों तरफ फैब्रिक ग्लू यूज़ करने के बाद इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। देखिए इस तरह से ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा तो हमें इसे स्टिच करने में भी बहुत ही आसानी होगी। फैब्रिक ग्लू यूज़ करने के बाद इस स्ट्रिप को एक बार आयरन ज़रूर कर लें। इस स्ट्रिप रेडी हो चुकी है। अब देखिए इसे हम इस योक के ऊपर सेट करेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ ऑल पिन से इसे फिक्स कर लें और फिर दोनों तरफ सिलाई कर लें। शोल्डर लाइन पर अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे बिल्कुल लेवल कर दें और फ्रेंड्स इस तरह से योक पैटर्न को रेडी करें। आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।